अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देखिए ये सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नया नया वीडियो छोड़ूँ आपको मिल जाए। ये लाइक बटन है और लाइक बटन करने के बाद ये नीचे में कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और ये ऊपर में मेरा जहाँ पे वीडियो आप देखते हैं वहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। हेलो गाइस, अभी सुबह का 5:30 बजे है और आपका का एग्ज़ाम है इसलिए बहुत जल्दी उठती हूँ। 4 बजे से उठी हूँ मैं, 4 बजे से हर्ष पढ़ रहा था और मैं उठ के अभी टिफिन वगैरह की हूँ और उसको भी पढ़ाऊँगी। देखिए रेडी हो गया है और अभी भी टाइम है, 5:30 बजे है और 4 बजे से पढ़ रहा था। अभी वो जो सब काम वाम करके अपना ब्रश वगैरह करके अभी वो रेडी होके अभी नाश्ता करेगा और मैं उसका टिफिन भी बना रही हूँ। आज चाउमीन बनाई हूँ और कुछ नहीं बनाई है। और दोस्तों ये आम पत्ता है, ये देखिए, ये 5 नहीं तो 7 इसको ये कलश में रखना है दरवाजे के पास। जब भी हम लोग छोटे थे मेरी मम्मी भी ऐसे रखती थी हम लोग को एग्जाम टाइम में, इसलिए आज हर्ष का एग्जाम है तो इसलिए मैं इसको दरवाजे में रखूँगी, अच्छा होता है एग्जाम बोलते हैं। तो इसको मैं धो के अच्छे से इसमें रखूँगी दरवाजे के पास। जितना पत्ता आपको नहीं चाहिए आप निकाल दीजिए गिन के, 1, 2, 3, 4, 5 तो हम इतने को निकाल देंगे। तो देखिए 5 हो गया और इसका दहनी भी नीचे से थोड़ा सा तोड़ देंगे, इसमें नहीं घुसेगा कि हम इसको इसमें डाल देंगे। यह हर्ष अपना साईं बाबा का विभूति लगा रहे हैं। देखिए गुड, नमक दे भलो एग्जाम को, मेरा एग्जाम अच्छा हो, मुझे अच्छा पढ़ाई दीजिए। अभी फ्रेंड्स 6 बज चुका है ये सब करते करते, हर्ष भी मेरे रेडी हो चुके हैं, देखिए अपना भगवान का विभूति भी लगा चुके हैं और मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छे से एग्जाम देना। आम का पत्ता तो आप देखें, आम का पत्ता मैं लगाई हूँ, घर का जो चौखट है उस पर लगाते हैं। जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी, हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे भाई बहन, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, सुबह सुबह उठ के नहा के रख देती थी। तो मैं तो नहीं नहाई हूँ इसलिए नीचे आम का पत्ता रख दी थी। हर्षु को बोली तो टीका लगा ले भगवान का और रख दी हूँ एग्ज़ाम के लिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग का नियम है, तो नहीं नहा के भी रखना ऐसे ठीक है चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन चौखट पे आम का पत्ता चाहिए, शुभ होना चाहिए कि एग्ज़ाम अच्छा हो। आई होप अच्छा हो एग्ज़ाम। तो चलिए हर्ष को थोड़ा सा छोड़ के आते हैं नीचे तक।
ब्रश करता हूँ। आज हिंदी है उसका, हिंदी। कल भी है एग्जाम, और देखते हैं। अभी मैं बीच में आ गई हूँ, मैं खिड़की का बात बोलती हूँ। आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखते हैं। तो ये हर्ष भी रेडी हो चुके। एक ऑल द बेस्ट बोल दीजिए हर्ष को, एग्जाम अच्छा हो उसका। ऑल द बेस्ट हर्ष, मैं आप लोगों के लिए बोल दी। हेलो, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में तो हर्ष को टिफिन में मैं चाउमीन आज दी थी, मैं आपको बोली हूँ सुबह। और अभी मेरे साथ एक साथ मैं भी बना लेती हूँ, दो बार नहीं बनाना पड़े। तो अभी इसको गर्म करके चाय एंड चाउमीन, मेरा फेवरेट व्हाइट चाउमीन। आपको दिखाती हूँ, ये मेरा व्हाइट चाउमीन, मुझे बहुत ही पसंद है। आज कुछ सब्जी वगैरह घर में नहीं था, तो मैं सोची हर्ष को क्या दूँ, बस नूडल्स थोड़ा सा ये कर ली और बना लिया चाउमीन। यम्मी, सिंपल में ही बनाती हूँ। करी पत्ता मेरा फेवरेट है, करी पत्ता का गच में लगाई हूँ, बाहर में दिखाऊंगी आपको, बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए नाश्ते के बाद आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ, जस्ट थोड़ा सा चाय पीने का आज मन किया। लेकिन मैं ऐसे दिन में चाय तो नहीं पीती हूँ, आज थोड़ा सा हेडेक भी है। और अभी नहा के आई हूँ, देखिए कोम भी नहीं किया अभी, जस्ट थोड़ा सा क्रीम लगा के थोड़ा लिपस्टिक लगाई हूँ अभी। और हर्ष का तो आज एग्ज़ाम है, क्या करेंगे क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन ठीक तो सब मैं पूछी तो ठीक ही बोला है, ठीक ही किया है, तो अच्छा ही करेगा। तो मैं थोड़ा सा चाय लाई हूँ, आज मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। सुबह 4 बजे से उठ के मतलब हर्ष पढ़ रहा था, मैं भी आज सुबह से उठी हूँ, तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं एटी के टेडी को, उसको भी चाय चाहिए शायद, उसको भी चाय चाहिए शायद हर्ष टेडी को। हर्ष, मैगी और टेडी, ये तीनों का नाम कभी कभी इतना, मैगी को हर्ष बुला लेती हूँ, कभी हर्ष को मैगी बुला लेती हूँ, कभी मैगी को टेडी बुला लेती हूँ, ऐसे होता है। एक टेडी नो। तो ये रहा मेरा चाय। आज बहुत हेडेक हो रहा है सही में, इतना सर दुख रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। अभी खाना भी बनाना है, खाना बनाऊंगी आज, कपड़े भी धोऊंगी, एक चादर है बस, बेडशीट है वो, उसको धोऊंगी। और थोड़ा सोच रही हूँ दोपहर में सो जाऊं, खाना तो ऐसे ही सादा ही बनेगा, तो ऐसे ही दाल चावल, सोच रही हूँ बैगन भरता बना लूँ, मैंने जो आपके साथ शेयर किया था बैगन भरता, क्विक एंड जल्दी जल्दी से हो जाएगा वो। तो सोच रही हूँ क्या जल्दी हो वो बना लूँ, क्योंकि सर बहुत दुख रहे हैं। अभी सोच रही हूँ खाना खा के थोड़ा सा सो जाऊँ, फिर हर्ष को ट्यूशन भी छोड़ना है, तो उसके चक्कर में दोपहर में थोड़ा सा सो भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब रेस्ट नहीं हो रहा है। और मैं फिर सोच रही हूँ हर्ष भी तो सुबह से उठते हैं, उनको भी टाइम नहीं मिलता है, रात तक बेचारे बहुत थकान उसको हो जाता है, और 9:30 बजे वो सो जाता है। जो बच्चा 11-12 बजे सोता था वो अभी 9:30 बजे ऐसे ऐसे।
और मैं सोऊं और मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ हेडेक हो रहा है बोल के सो जाऊंगी, थोड़ा सा सोच रही हूँ, लेकिन नहीं होगा टाइम। खाना बनाते बनाते अभी 2 बज जाएगा और फिर 2 बजे खाना खा के फिर बच जाता है टाइम, हो जाता है। हर्ष तो आते हैं 2:30 बजे और खाते खाते 3, फिर 3:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं ट्यूशन के लिए। तो सोच रही हूँ उसको छोड़ के आऊँगी तब 1 घंटा सो जाऊँगी, तो ये इस प्लानिंग की हूँ और देखते हैं क्या होता है आज। अगर मतलब मुंडी थोड़ा सा ठीक हुआ तो दवाई खा के तो मैं शाम को भी ब्लॉगिंग करूँगी, वीडियो करूँगी, नहीं तो आगे वीडियो नहीं करूँगी, अभी थोड़ा नहीं कर पाऊँगी मैं। चाय, मेरा चाय का आदत बस सुबह एक बार उठूँ तब और शाम को एक बार, नहीं तो बीच में मुझे चाय दे दो बाबा मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन मैं लोगों को भी देखती हूँ ना, दिन दिन भर चाय पीते रहते हैं, दिन दिन भर उनको चाय दे दो, चाय पीते रहेंगे। लेकिन मेरा आदत नहीं है, आज बस थोड़ा सर दुख रहा है इसलिए। बालों को देखिए, पगली जैसा कैसा किया हूँ मैं, देखिए पगली हूँ मैं। तो आपको मेरा उड़िया चैनल के लिए आप कोई कुछ भी मैसेज नहीं किए, एक मैसेज आया था कि आपको करना चाहिए, तो सोच रही हूँ उड़िया चैनल एक तो खोलूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और आज मेरी मौसी भी नहीं आई है अभी तक, घर का काम पड़ा है, इतना इतना बर्तन पड़ा है, झाड़ू पोछा, कपड़े तो मैं वॉशिंग मशीन में धो लूँगी, बट मौसी थोड़ा काम करके चली जाती है तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैगी डैडी का अलग खाना बनता है, हम लोग का अलग खाना बनता है और फिर जल्दी भी बनाना पड़ता है। तो देखती हूँ क्या करूँगी, जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ेगा मुझे। अभी मौसी आती तो मैं अभी 1 घंटा सो जाती, फिर खाना बनाती 12 बजे हो जाता 2 बजे तक, लेकिन मौसी नहीं आई है, क्या करूँ कैसा करूँ आप लोग थोड़ा बताइए। मैगी मेरा सोया देखिए झुक के बैठा है वहां पर, रंग देख रहे हैं डार्क सर्कल्स, नहीं सोके नहीं सो के उसे डार्क सर्कल्स हो गया है। तो चलिए कुछ काम कर लेते हैं और आज रेसिपी को शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आज सादा ही बनाऊंगी, दाल चावल और बैगन का भरता बना लूंगी, नहीं तो आलू चोखा बनाऊंगी, जो इजी हो मुझे वही बनाऊंगी। और देखती हूँ अगर शाम को वीडियो कर पाऊँ मेरा तबीयत ठीक रहने से। चलिए कर दी हूँ
और टेबल को थोड़ा साफ करें, देखिए टेबल क्लॉथ डालूंगी। और अभी घर झाड़ू कर ली हूँ, अभी पोछा नहीं करूँगी सोच रही हूँ। पोछा अभी मासी शाम को आएगी फिर से, तो देखती हूँ तब पोछा लगा लेगी, क्योंकि सुबह तो आई नहीं है तो शाम को ही लगा लेगी पोछा, इसलिए मैं पोछा नहीं लगाई, झाड़ू कर दी हूँ बस। बहुत ही धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। बेडशीट को भी डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा है हम लोग का आज, तो जितना चाहिए उतना बर्तन मैं धोऊंगी, नहीं तो सब नहीं धोऊंगी। और ये देखिए टेडी मेरा कैसे सोई है, बेशरम। और अभी सोच रही हूँ दाल और चावल को बिठा दी हूँ घर झाड़ू करके, कपड़ा फोल्ड करके, अभी दाल हो जाएगा, दाल को छौंक लगा दूंगी, और भात का हो जाएगा, राइस हो जाएगा, फिर देखती हूँ। दाल में आलू भी डाल दी हूँ, वो बॉइल्ड को जो चोखा बनाते हैं चोखा जैसा बना लूँगी, और बैगन भी है, बैगन को क्या करूँगी गोल गोल करके भाजा बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। बस हो गया आज का आइटम। मेरा हेडेक थोड़ा सा ठीक है अभी, देखिए बाल कैसे बांध दी हूँ, पूरा पीछे में लेके बांध दी हूँ, तो हेडेक अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी हर्ष का भी आ जाएगा, अभी हो रहा है 12:30 हो रहा है, मेरा दाल चावल ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी खाना भी जल्दी बन जाएगा मेरा, 1:30 बजे तक मेरा हो जाएगा। और बर्तन जो इतना बर्तन पड़ा हुआ है उसको जितना चाहिए मैं उतना ही कर रही हूँ, नहीं तो मौसी आके करेगी शाम को, तो जैसे भी वो आएगी तो देखती हूँ। और टिल देन मैं अभी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स, और अभी हर्ष भी 2 बजे आ जाएंगे, फिर उनको ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी, फिर उनको पढ़ाना भी, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, और मैं आपको शाम को मिलूंगी, नहीं शाम को एक वीडियो बनाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो। और मैंने जैसे कि आपको कल का वीडियो में बोला था कि मैं ब्यूटी टिप्स भी करने वाली हूँ, तो मैं ब्यूटी टिप्स भी आप लोगों को दूँगी, और कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी दूँगी, तो थोड़ा सा माइंड सेटअप करने दीजिए मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप लोग जानते हैं, इसलिए देख रही हूँ। तो चलिए टिल देन अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एक तो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी लगता है आप मुझे बोलिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है या क्या करना है, और अच्छा भी कर पाऊँगी, मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे कोई अच्छा बोल रहा है तो, मुझे और भी मोटिवेट होंगी कि मैं अच्छा कर पाऊँ और भी, और ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके पास एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जबकि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए साथ साथ, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो रहती हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल का एक वीडियो में, बाय।